प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो आपसे पूछे जाते हैं, उनमें पहला तो तीन तो आप ये लिख लीजिए, पटेलियो, बिछियो, लालर और माछर, ये क्या है? तो याद रखिएगा, पटेलियो, बिछियो और लालर ये पर्वतीय क्षेत्र के अंदर गाए जाने वाले गीत हैं। पर्वतीय क्षेत्र विशेष क्वेश्चन है, और पर्वतीय क्षेत्र यदि ऑप्शन में नहीं है तो याद रखिएगा मेवाड़ ऑप्शन में है। ठीक है, एक है आपके गुगरी, केवड़ा। गुगरी और केवड़ा ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये है आपके मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित, मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर गाए जाने वाले गीत। केवड़ा वृक्ष भी तो है ना, उसको संबोधित करते हुए। एक है आपके बिछुड़ो, बिछुड़ो कौन सा गीत? बिछुड़ो गीत सुना है कभी? बहुत स्पेशल गीत है ये, आपने कई बार देखा होगा बिछुड़ो। ठीक है, बिछुड़ो जो गीत है वो कौन से क्षेत्र का है? तो याद रखिए बिछुड़ो गीत है आपके हाड़ौती क्षेत्र का। कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र का। मतलब ऐसा कहा जाता है कि हाड़ौती क्षेत्र की बात है ये, सी कि यदि किसी महिला को बिच्छू ने डंक मार दिया है, अब वो मरने वाली है, तो मरने से पहले अपने पति को दूसरी शादी करने की सलाह देती है, वो जो गीत है वो है बिछुड़ो। ठीक है, और बाकी इस प्रकार की कोई बात नहीं है भाई। ठीक है, हाँ, एक है आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी आया था, हम सिड्डो। हम सिड्डो याद रखिएगा ये भीलों से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों से संबंधित है, पुरुष और महिला दोनों मिलकर गाते हैं, पुरुष वे महिला दोनों मिलकर गाते हैं क्या? हम सिड्डो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक है आपके पूछा जाए तो याद रखिएगा गुड़ला। गुड़ला है मारवाड़ का। ठीक है, गुड़ला कहाँ का है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मारवाड़ का। ठीक है, एक है आपके झोरावा। झोरावा भी याद रखिएगा एक प्रकार का विरह गीत है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि ये कौन से क्षेत्र का है। तो विरह गीत आता है आपके जैसलमेर। ठीक है, विरह गीत है जैसलमेर का। ठीक है, एक है आपके मुम्मल। देखिए मुम्मल वैसे जैसलमेर की, लेकिन याद रखिएगा किसी युवती के सौंदर्य का वर्णन है इस गीत में, युवती के सौंदर्य का वर्णन याद रखिएगा मुम्मल में। ठीक है, इसके अलावा ओलियू। ओलियू जो है वो कब है? तो याद रखिएगा पुत्री के विवाह अवसर पर, मतलब विदाई के समय। ठीक है, विदाई के समय इनका तो गाया जाता है, विदाई के समय ओलियू और पावना नए दामाद के ससुराल आने पर, ससुराल आने पर वहां की महिलाओं द्वारा जो गाया जाता है वो है आपके क्या? पावना। एक हमने पढ़ा है छेड़े, छेड़े यह है शिशु मृत्यु पर। शिशु मृत्यु पर क्या है? याद रखिएगा छेड़े। एक हमने पढ़ा है सारंग। सारंग है आपके याद रखिएगा, और दो पर गावे ये दो पैर में। ठीक है, एक है आप कुकड़ी, कुकड़ी गीत। घर के अंदर महिलाएं जब रात्रि जागरण देती है ना,
तो जब सुबह होने वाले होती है ना तड़के, भी टाइम भी एक किया करे कि चलो अब कुकड़ियां गा लियो अपन। तो ये मतलब कुकड़ी गीत है आपके, महिलाओं द्वारा दिया जाने वाला राती जोगे का अंतिम गीत है, कुकड़े गाए बस भी आप आपके घर जावे। तो रात्रि जागरण का सुबह के समय अंतिम गीत है, कौन सा? याद रखिएगा कुकड़ी। आप कहेंगे सब गीत की बात हो गई लेकिन सर केसरिया बालम की तो बात हुई नहीं। बिल्कुल सही है, केसरिया जो बालम है, केसरिया बालम ये तो हमारा राज्य गीत है, ये तो क्या है? राज्य गीत, ठीक है। और इसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सर्वाधिक बार गाने वाली जो महिला है वो है आपके कौन? अल्लाह जिल्ला बाई। याद रखिएगा अल्लाह जिल्ला बाई, अल्लाह जिल्ला बाई जिसका संबंध बीकानेर से है, मांड गायिका है, 1982 के अंदर पद्मश्री है, 2012 के अंदर राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित है, और इन्हें मरु प्रदेश की क्या कहा जाता है? याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मरु प्रदेश की कोकिला, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब इसके अलावा केसरिया बालम, अच्छा आप कहेंगे ये सर किस प्रकार का गीत है? तो याद रखिएगा ये एक श्रृंगारी गीत है, ठीक है, महिला ने श्रृंगार कर लिया है और अब वो अपने पति को बुला रही है। अब देखिए एक है आपके मोरिया, मोरिया गीत। मोरिया गीत कब गाया जाता है? मोरिया गीत उस युवती द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई तो हो गई है लेकिन शादी में देरी है, सगाई हो गई है लेकिन विवाह में देरी है, तो उस युवती द्वारा जो गीत गाया जाएगा वो कौन सा है? याद रखिएगा मोहरिया गीत, ठीक है। दो गीत ऐसे हैं जो आपस में विपरीत हैं, कौन सा? एक तो है पपैयो और एक है पणिहारी। पणिहारी जो है ये तो पति धर्म पर अटल वाला है, जबकि पपैयो जो है वो है आपके पतिव्रता का, पतिव्रता। बिल्कुल। और इंपॉर्टेंट लांगूरिया, लांगूरिया जो गीत है, इस गीत का संबंध कौन सी लोक देवी से है? तो याद रखिएगा केला देवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केला देवी, ठीक है। केला देवी क्या मेला है ना, लक्की मेला, उस लक्की मेले का मुख्य आकर्षक है आपके कौन सा? याद रखिएगा लांगूरिया गीत, कौन सा? लांगूरिया गीत। क्लियर, क्लियर है? बस ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए प्रमुख लोकगीत, ठीक है, याद रखिएगा लोकगीत, ठीक है। पटेलियो बिछिया और लालर याद रखिए पर्वतीय क्षेत्र के गीत हैं, गुगरी और केवड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र के हैं, बिछुड़ो आपके हाड़ौती क्षेत्र का है, हमसिडो भील जनजाति है, पुरुष और महिला दोनों, घुड़ला है आपके मारवाड़ का, ठीक है। और झोरावा जैसलमेर का विरह गीत है, मुम्बल जैसलमेर याद रखिएगा, और ओलियो आपके पुत्री के विवाह के अवसर पर विदाई के समय, ओलियो पावना नए दामाद के ससुराल आने पर, छेड़े शिशु मृत्यु पर, और याद रखिएगा बच्चे के जन्म पर कौन से गीत गाए जाते हैं? बच्चे के जन्म पर बंदावा, बधावा, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्लियर, ठीक है, बधावा गाया जाता है, ठीक है। और वैसे जच्चा भी गाते हैं, बदावा और जच्चा दोनों ही गाते हैं बच्चे के जन्म पर, ठीक है। सारंग है दोपहर के समय का, कुकड़ी गीत वही रात्रि जागरण के सुबह के समय अंतिम गीत है, पणिहारी पति धर्म पर है और पपैयो पतिव्रता का है, और लांगूरिया आपके केला देवी से संबंधित है, मोरिया गीत आपको पता ही दिया, सगई तो होगी लेकिन ब्याह मोड़ो है इसीलिए वो गाती है मोरिया। और इधर हमारे राज्य का गीत है कौन सा? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
क्लियर। चलिए तो ये है आपके राजस्थान के प्रमुख लोकगीत, ये वही फैक्ट हैं जो अभी तक आज तक एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, तो हो सकता है आपके भी इनमें से कोई क्वेश्चन बने। ठीक है, हाँ चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में और चर्चा करेंगे और